नियाग्रा फॉल्स एक विश्व प्रसिद्ध झरना है जो नियाग्रा नदी पर स्थित है, जो ओंटारियो कनाडा और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा पर फैला हुआ है। इसमें तीन झरने हैं, हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स। हॉर्सशू फॉल्स तीन झरनों में सबसे बड़ा है और अधिकांश पानी इसी खंड पर बहता है। यह एक घोड़े की नाल के आकार का है और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स दोनों ही सीमा के अमेरिकी पक्ष में स्थित हैं। ब्राइडल व्हील फॉल्स तीनों में सबसे छोटा है। नियाग्रा नदी एरी झील से ओंटारियो झील तक बहती है और जलप्रपात उस बिंदु पर स्थित है जहां नदी नियाग्रा एस्केर्पमेंट पर गिरती है, जिससे एक शानदार प्राकृतिक आश्चर्य पैदा होता है। जलप्रपात एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां हर साल लाखों पर्यटक झरने की लुभावनी सुंदरता और शक्ति को करीब से देखने आते हैं। आगंतुक नाव की सैर कर सकते हैं, सुंदर रास्तों पर चल सकते हैं और फॉल्स के अमेरिकी और कनाडाई दोनों किनारों पर अवलोकन देख से दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। आपकी रुचियों के आधार पर नियाग्रा फॉल्स में करने के लिए कई चीजें हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय गतिविधियाँ और आकर्षण हैं। मेड ऑफ द मिस्ट। मेड ऑफ द मिस्ट में जलप्रपात के करीब जाने और झरने की शक्ति और धुंध का अनुभव करने के लिए नाव की सैर करें। जलप्रपात के पीछे की यात्रा। जलप्रपात के पीछे भ्रमण करें और झरने के पानी के पीछे से पानी को नीचे की ओर दौड़ते हुए देखें। नियाग्रा पार्क। लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, गोल्फिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए नियाग्रा पार्कों की यात्रा करें। नियाग्रा स्काई व्हील। नियाग्रा स्काई व्हील की सवारी करें। यह 175 फुट लंबा फेरस व्हील है जो झरनों और आसपास के क्षेत्रों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। नियाग्रा फॉल्स सर्विल कैसीनो रिसोर्ट। कैसीनो में अपनी किस्मत आजमाएं और लाइव मनोरंजन, रेस्तरां और खरीदारी का आनंद लें। नियाग्रा वाइन कंट्री। नियाग्रा वाइन कंट्री का एक सुंदर ड्राइव या भ्रमण करें जो 90 से अधिक वाइन लेक का घर है। क्लिफ्टन हिल। मिनी गोल्फ, प्रेत बाधित घरों और आर्किड समेत परिवार के अनुकूल आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए क्लिफ्टन हिल पर जाएं। बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। बटरफ्लाई कंजर्वेटरी में पहले 2000 से अधिक तितलियों, विदेशी पक्षियों और पौधों का घर। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क। लंबी पैदल यात्रा, ट्रेल्स, पिकनिक क्षेत्रों और सुंदर दृश्यों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने राज्य पार्क नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का अन्वेषण करें। नियाग्रा फॉल्स रोशनी। नियाग्रा फॉल्स रोशनी के दौरान शानदार रंगीन रोशनी के साथ रात में जलते हुए झरने देखें। नियाग्रा फॉल्स जाने का सबसे अच्छा समय आपकी प्राथमिकताओं और आप क्या करना चाहते हैं पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ बातें विचार करने के लिए हैं। मौसम। पीक टूरिस्ट सीजन जून से अगस्त तक होता है जब मौसम गर्म और धूपदार होता है। हालांकि इस झरने का साल भर आनंद लिया जा सकता है क्योंकि सर्दियों में जमे हुए झरनों को देखने का एक सुंदर समय होता है। भीड़। यदि आप भीड़ से बचना पसंद करते हैं तो वसंत ऋतु में जाने पर विचार करें या कम पर्यटक होने पर गिरें। गतिविधियाँ। कुछ गतिविधियाँ जैसे कि नाव यात्रा और बाहरी आकर्षण सर्दियों के महीनों के दौरान बंद हो सकते हैं। लागत। पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान आवास और आकर्षण की कीमतें अधिक हो सकती हैं। घटनाएं। विशेष आयोजनों के दौरान जाने पर विचार करें जैसे कि नियाग्रा फॉल्स विंटर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या नियाग्रा वाइन फेस्टिवल जो वर्ष के विशेष समय के दौरान होता है। सामान्य तौर पर नियाग्रा फॉल्स की यात्रा का सबसे अच्छा समय वसंत के अंत, मई जून या शुरुआती गिरावट सितंबर अक्टूबर में होता है जब मौसम अभी भी सुहावना होता है लेकिन भीड़ कम होती है और कीमतें कम होती हैं। हालांकि यदि आप फॉल्स की जमी हुई सुंदरता का अनुभव करने में रुचि रखते हैं तो सर्दियों के महीने दिसंबर फरवरी यात्रा के लिए एक शानदार समय हो सकते हैं।